अभी का सीन ऐसा है कि अभी उठा हूँ और मम्मा ने कहा कि सबको उठाओ, तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने ब्लॉग को। तो वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। अभी चलते हैं अपनी ड्यूटी निभाने, तो सबको उठाते हैं। सबसे पहले इन दोनों को उठाना है। तो ये अब्दुल्ला हुए बड़ो, टाइम हो गया है, जल्दी से उठ जा तू। यासिर ये भी उठ गया भाई, एक ही आवाज़ में ये दोनों बेचारे उठ जाते हैं। और चलते हैं मुजम्मिल को उठाने। तो चलो भाई, मुजम्मिल आजकल नीचे सो रहा है भाई। अरे उठ वे, अबे उठ, अबे खड़ा हो जा, अबे खड़ा हो जा, अबे टाइम हो गया है। तो भैया उठ गया है, इसको उठाते हैं फिर चलते हैं बाहर। टाइम हो गया यार, मच्छर खा रहे हैं इसको। तो मिलते हैं भाई थोड़ी देर में। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं डब्बू खेलने, तो कोई भी नहीं है। और औरंगजेब से मेरी बात हुई है कि उसने कहा है कि भाई जल्दी यार डब्बू खेलते हैं। अब जा रहे हैं, देखते हैं कौन कौन है। लेट्स गो। मिलने में सन्नाटा लग गया है और हमारी बारी अभी आई है। और औरंगजेब भाई क्या कर लिया तुमने? ये भाई डब्बू खेल रहे हैं, तुम देख सकते हो। हाँ वॉट अ शॉट, सारे पॉइंट्स बाहर फेंक दिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, डब्बू जब्बू खेलते हैं। देखो यार एक शॉट हो गया था तो मालूम है। लाओ स्टैगर दो यार, लाओ जल्दी से। तो ये देखो भाई आपका भाई खेल रहा है, ये हमारे शॉट। और एक भी नहीं गया भाई, एक भी नहीं गया। लो स्टाइलर लो यार, जमा यार इसको, जरा खेलते हैं फिर मिलते हैं तुम्हारे से थोड़ी देर। तो भाई सीन कुछ ऐसा था, ये और ये खेल रहे थे तो छह सात बंदे और आ गए। वो कह रहे डबल करो। अफान भाई भी आ गए और सर भी आए हैं, साईं भी आए हैं। ये देखो ऐसी देखो इसकी भाई, सर के नाम से। और भाई जान आए सलमान भाई। आज जुम्मे का दिन नहीं होता बोला, इन लोगों को नहीं छोड़ता। मतलब संडे है सुबह, इसलिए आप खेल रहे क्यों नहीं हो भैया? दो डबल हाथ में, आप इधर आ जाओ ना मेरे पास, आ जाओ इधर से खेलो। तो भाई घर पर आया हूँ और गेट खुला हुआ मिला। गेट को करते हैं बंद। ये कौन सी आवाज थी भाई? और भाई लोग जा कर रहे हैं अभी तक, सोने की करते हैं तैयारी, फिर मिलते हैं आपसे सुबह। सुबह मतलब साढ़े चार पाँच बजे उठूंगा मैं और वहीं पे ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से बोलो कब उठूंगा मैं, जल्दी से बोल तो सही। अबे तू, अबे इधर देख तो सही, अबे ओए कब उठूंगा मैं? देखो ऐसे कर दिया बोल, मिलते हैं सुबह। सुबह मिलते हैं, इधर तो देख यार, बोल तो सही, सुबह मिलते हैं। रात को भाई रात को मिलते हैं। तो ओके अल्लाह हाफिज़। अभी सुबह हुई है और अभी निकलते हैं बाहर। नमाज वगैरह पढ़ ली है, रूम में ही पढ़ी है यार, गए नहीं मस्जिद। मस्जिद का टाइम खत्म हो गया। हमारी मस्जिद में सवा पाँच बजे नमाज है और मेरी आँख खुली है साढ़े पाँच बजे। तो मैंने कहा भाई यहीं पे पढ़ लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ ली है। अभी जाना है टेलर के पास, कपड़ा लेना है भाई। दो जोड़े बाबा ने लिए थे और एक जोड़ा मुझे गिफ्ट आया था जो कि चेहरा, इसको भी टेलर को देना है और नाप देनी है। चलते हैं भाई अफ्तारी करने के बाद। और एक बंदा अपना काम शाम कर रहा है, फिर से बस बना रहा है, वो लड़की है भाई अब्दुल्ला। अभी रमजानों में सिर्फ वही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। देखते हैं भाई अभी बाहर क्या माहौल है, क्या हुआ? हाँ यार आ रहा हूँ बाहर से, इशारा कर रहा है। ओए क्या क्या हो रहा है? और एक बंदा देखो किस आ रहा है, रोजे का टाइम बस थोड़ा रह गया है, जो मुँह देखो यार ऐसे। ये देखो पता नहीं क्या होगा इन जैसों के, बहुत दिनों से इधर नहीं आए। तो ये देखे माहौल इन होगा, और ये खाना शाना खा रहे। इसको देखो भाई ये बड़ा हो गया, जंपे मारने लग गया है ये ले। और दूसरा ये घूम रहा है। अब तीनों की माँ बाहर चले गई, ये मस्तियाँ कर रहे हैं। अबे ये मारेगा तुम्हें, तुम दोनों इसके पास घूम रही हो, ये देखो यार जैसे इसकी माँ ये है। तो चलते हैं बाहर, अभी कोई भी नहीं है। ये भी आ गई है मुझे देख के इन बकरों के पास, इधर नहीं आया करो, हॉर्स मारेगा तुम्हें लात वगैरह, समझा करो। हाँ हाँ तो ये देखो भाई ये कैसे घूम रही है, इधर देखो जल्दी से। और इसको देखो बे भाई चिल माहौल कर रहे। मिलते हैं बस बाद में, मिलते हैं तुमसे सबसे। आना जाना नहीं हो रहा, रोजे यार रमजान चल रहा है इसलिए। मैं आया रूम में तो लाइट्स वगैरह ऑन की और मेरे पीछे एक बंगी भी आ गया। अबे भाई तू मेरे रूम में क्यों आया है? अबे लड़ाई करता है मुझसे, लड़ा। अबे भाई मुझसे लड़ाई है भाई। अबे भाई तू एक दफा बता दे क्यों आया है? हवा का और किस लिए? हवा का नहीं, यहाँ पे हवा कौन सी आ रही है भाई? अच्छा फैन चल रहा है उस रूम में, फैन बंद कर दिया मम्मा ने। मैं नहीं बताऊंगा। चलो बैठ जा,
और बाकायद तुझे सारे रूम की सफाई करनी है, जो पड़े हैं ना बिस्तर वगैरह इन सबको साफ करना है तुझे, ओके है ना? नहीं तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में, जाते हैं अली भाई के घर पे और लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं। हमें मेरे घर पे वाईफाई है मगर अली भाई के घर में काम शाम होता है, मुझे बस आ जाता है 5 मिनट में ये वगैरह। A few moments later घर पर आया तो सब लोग सो रहे हैं और ये दोनों भी सो रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि भाई हम इतने ब्लॉग बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मगर आप कुछ प्यार ही नहीं दिखा रहे यार, शेयर ही नहीं कर रहे ना सब्सक्राइब कर रहे हो। मैंने कहा था कि भाई रमज़ानों में 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मगर यहाँ पे 300 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुए हैं। तुमसे पूछ रहे हैं भाई तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आपसे ये सवाल कह रहे हैं और आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं, आप ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं भाई बताओ तो सही, कॉमेंट में बताओ यार जल्दी बताओ। इतनी मेहनत के बावजूद अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या दिल जलता है इंसान का यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेहनत करने के बावजूद ना थोड़ा सा सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं यार, बस यार मैं पता पूरे दिन में इधर पागलों की तरह लेके घूमा होता हूँ मोबाइल, मेरे को सारे कहते हैं मेरे कज़न पागल हो गया, तुम ये हो गया, तो वो हो गया, खबर सुननी पड़ती है यार। डेली व्लॉगिंग का मतलब सीन ये है कि रोज़ व्लॉगिंग करना, एक बंदा होता है एक दिन, तुम करके तो चेक करो डेली व्लॉगिंग क्या होती है। मैं पहले कहता था यार ये लोग जो है ना डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं लोगों को पागल कर रहे हैं कि एक मिनट में व्लॉग बनता है। जब मैं इस फील्ड में आया यकीन करो आप बस ना खाने का टाइम मिलता है ना पीने का ना सोने का, भाई डेली व्लॉगिंग में ये है कि व्लॉग बनाया एडिट किया रखो सुबह अपलोड कर दिया। तो भाई थंबनेल जो बनता है ना ये भी बहुत मुश्किलों से लगता है, अगर तुम बनाओगे ना तुम्हें पता पड़ेगा। तो भाई बातें बहुत हो गई हैं, तुम्हें समझाना फजूल है, तुम कुछ करोगे तो नहीं, मुझे लगता है कि बस वहीं पर ही रहूँगा। तो अगर तुम ये बातें सुनकर भी अमल ना करें ना तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमारी नई वीडियो अब तक पहुँच सके। तो ओके अल्लाह हाफिज़।